ओए होए कर क्लास की नई मॉनिटर बन गई तो था है? अब तो हमारे पूरे मजे है। हाँ मैं तो गुंडागर्दी करूंगी, सबको तंग करूंगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मैं तो पूरी क्लास में रात करूंगी। मैं तो हर पीरियड बंक मारूंगा। पर हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, पार्टी तो लेंगे। पार्टी तो लेकर ही रहेंगे। कैसी पार्टी, किस बात की पार्टी? तू मॉनिटर बनी है, पार्टी नहीं देगी? हाँ पार्टी तो देनी पड़ेगी तुझे। मैं देने कोई पार्टी वाली, मेरे पास नहीं पैसे। यार तू कितने कंजूस है, पिछली बार ना 50 रुपए की पार्टी दी थी बर्थडे पे, अब हमें महंगी पार्टी चाहिए, मॉनिटर बन चुकी है। मेरे पास नहीं कोई पैसे वैसे, ठीक है पार्टी वार्टी बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो चलो। हमें नहीं पता पार्टी दे, पार्टी दे, हमें नहीं पता पार्टी दे, तू पार्टी पार्टी नहीं नहीं पार्टी 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 पार्टी। ठीक है चुप, मेरे पास ना बस 100 रुपए, देख लो पार्टी लेनी है तो दे दूंगी मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए तो कितनी कंगली है, हर बारी सस्ती पार्टी देती है। 100 रुपए मेरे पास, पार्टी लेने तो लो वरना मैं चली। लेनी है भाई लेनी है, पार्टी तो लेनी है, इसमें ही दे दे। लेंगे ना अंतर से पार्टी, चल। हाँ ठीक है ले लो पार्टी, गरीब कहीं के तुम भी क्या याद रखोगे, आ जाओ। मट्ठी वट्ठी नहीं लेनी, चिप्स ले लो एक एक चुपचाप। ये ले लेते हैं, चिप्स ले लो, ये रख दे वापस। 100 रुपए बस, 100 रुपए में जितना आएगा ना उतना ही लेना है। यार एक और तो लेने दी, इतनी कंजूसी क्यों करती है तू? 1 2 3 4 हो गया। तो फिर मैं ये लूंगी, महंगा लूंगी। ठीक है एक मेरा, अब हो गए पूरे 20 20 20 20 20 100 रुपए। सारी जगह ऐसी ना चीज खिलाती रहा कर, दिल बड़ा करती रहा कर, कंजूस कहीं की कंजूस। दे मेरा चिप्स दे वापस दे। अरे मैं तो मजाक करती, साहब जी मेरे मुंह से निकल गई। खालो खालो मेरे राज में क्या याद रखोगे तुम भी। अपने वाला खिला, मस्त लग रहा है ग्रीन सा। तू भी ले रही है? हाँ लेना चाहिए, दोस्त नहीं है दे नहीं रही तो। तुमने वो बात सुनी है, हमारे मोहल्ले में ना एक जोकर है जो बच्चों को अपना शिकार बनाता है, उन्हें हिप्नोटाइज करता है और फिर साथ ले जाता है अपने। मम्मी डरा दी ना यार, तू कितनी गंदी है। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है पागल, ज्यादा फिल्म मत देखा कर तू, फिल्मों में होता है ये सब कुछ, असली में थोड़ी ना होता है, कुछ भी बोलती रहती है पागल। चलो घर चलो, लेट हो रहे है। चलो भाई मेरा घर तो आ गया, तुम लोग अपना देख लो। ओके बाय। ओए हमें अपने घर छोड़ के, हमें बहुत डर लगता है उस जोकर से। मेरे को भी छोड़ गया, मेरे को भी। कितने डरपोक हो तुम तीनों, बोला तो था जोकर वोकर कुछ नहीं होता, कुछ भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हो। टाइम वेस्ट करेंगे अब मेरा, चलो तुम्हें मैं ही छोड़ आती हूँ। कितने डरपोक हो यार तुम लोग, पता नहीं मैं ही कैसे इतनी निडर हूँ। जा तेरा घर आ गया। हाँ बाय गाइस, बाय। टाइम वेस्ट करते रहते, जब तेरा भी घर आ गया, चल बाय बाय। तू रे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं बॉय हूँ। वो क्या है ना, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं तुम सबको छोड़ने आया था, अगर रास्ते में जोकर मिल भी गया तो उसके घुसड़ मारूंगा, वही मर जाएगा वो। जा फिर, आया बड़ा दिलेर बन रहा, ज्यादा पता है मेरा कितना दिलेर है। ये लड़कियां भी कितनी बेवकूफ है, पहले तो पूरा दिन सीरियल देखती रहेगी और फिर बाद में बेफालतू की कहानियां सुनाती रहेगी। मैं नहीं डरता किसी जोकर वोकर से, मैं तो बॉय हूँ बॉय। ये देखा डोला, ऐसे मारूंगा उसके घुसन। हेलो मैं हूँ जोकर, तुम्हारा दोस्त। मम्मी जोकर, चॉकलेट चाहिए तुम्हें? चॉकलेट काम में, तुम्हारे को काम कर रहा रही थी, ये तो चॉकलेट दे रहा, कितना अच्छा जोकर है। चाहिए आ जाओ फिर।
अरे जोकर भैया कहाँ गए, कहाँ ढूंढू अब इनको। जोकर भैया, अरे पता नहीं कहाँ चला गया ये जोकर। जोकर भैया इधर हूं मैं। अब जैसा जैसा मैं बोलूंगा वही सब करोगे तुम। चलो मेरे साथ। अरे यार इस फुटबॉल की हवा कैसे निकल गई। शिट, कहाँ रह गई थी तुम दोनों, हमेशा लेट आती हो। अरे आ रहे थे ना, सीमेंट थे। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू? गुड्डू तो तेरे साथ होगा ना। कहीं नजर आ रहे मेरे पास? तेरे पास ही होगा ना। मैं सोची तुम दोनों के साथ आ रहा होगा, मेरे साथ तो नहीं आया वो, फिर कहाँ चला गया। मैंने बोला था ना, वो जोकर जो हमारे मोहल्ले में घूम रहा है, जरूर वो उसको अपने साथ ले गया होगा। मम्मी मेरे को डालना। चुप करो, पागल कहीं करने लग जाएंगी बस। तुम दोनों को बोला था ना कि जोकर वोकर कुछ नहीं होता, ज्यादा सीरियल मत देखा करो, ठीक है? अपने घर पे होगा, उसको खेलने नहीं आना होगा, इसलिए नहीं आया। एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, घर से ही उठा के लाते हैं उसको। चलो एक मिनट, किसका फोन आ गया? गुड्डू के घर से फोन। हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, गुड्डू है क्या तुम्हारे साथ? क्या? नहीं आंटी, गुड्डू तो हमारे साथ नहीं है, दिन में बस स्कूल से ही आया था हमारे साथ, उसके बाद तो नहीं मिला हमें। अच्छा बेटा, घर पे भी नहीं है वो तो? घर पे भी नहीं है वो। नहीं ठीक है आंटी, अगर हमें कुछ भी पता चलेगा ना हम आपको बता देंगे। ओके आंटी, बाय। यार गुड्डू तो अपने घर पे भी नहीं है। मैंने बोला था वो पक्का ना हमारे अड्डे पे होगा। चलो वहीं चलते हैं, वहीं मिलेगा वो। चलो आ जाओ। अरे यार गुड्डू तो यहाँ पे भी नहीं है। अब तो पक्का हो गया कि उसे जोकर ले गए। अरे चुप करो यार, इसने तो ना दिमाग खराब कर दिया, जोकर 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 कर करके। अरे अपनी मौसी के घर गया होगा, पता नहीं है कि पिछली बार भी चला गया था बिना बताए अपनी मम्मी को। हाँ बस, तो फिर आ जाएगा अपने आप थोड़ी देर में। चलो खेलते हैं। अरे क्या घाक खेले, इसकी हवाई चलेगी, पता नहीं किसने निकाल दिया हवा बॉल की। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, वैसे ही मेरी मौसी के बच्चे आए हुए, उन्हीं के साथ खेलूंगी मैं घर जाके लूडो। हाँ तो मैं भी चली जाऊंगी। मेरे को छोड़ के आओ घर, मुझे डर लगता है। मैं अकेली चली जाऊंगी, मेरे को मत छोड़ कर आना। देखा ये होती है लड़कियां, पागल फट्टू कहीं की। चल तो जा, मैं इसको छोड़ आती हूँ। बाय। चल तू लावी तक, तू लावी तक। ये ना मेरे को पागल समझते थे कि मैं जोकर से डर जाऊंगी, तो ऐसी वाला मुंह बनाती थी। चॉकलेट। अच्छा हो मैं अकेली आई हूँ, खुद ही खा लूंगी ये भी। एक और चॉकलेट, ये दो दो चॉकलेट, घर जाके खाऊंगी आराम से। एक और चॉकलेट, यस। अब जो जो मैं बोलूंगा तुम वो सब करोगी। चलो।
हेलो, तू फिर लेट आई आज। और अभी शीला कहाँ है? शीला? मुझे नहीं पता शीला कहाँ है। आज तो मुझे बुलाने भी नहीं आई मेरे घर पे। क्या, शीला नहीं आई? अरे यार, ये हो क्या रहा है? पहले गुड्डू गायब और अब ये शीला। अब तो मुझे पक्का पक्का यकीन हो गया कि ये काम जोकर का है और हमारे दोनों दोस्त उसके कब्जे में। सही कह रही है यार तू, अब तो मुझे भी शक होने लगा है, शायद उस जोकर ने हमारे दोनों दोस्तों को गायब कर दिया। फिर अब हम करें क्या? उन्हें तो बचाना पड़ेगा ना, अपने दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा हमें। जोकर ने, तू कर ले, तू चली जा उन्हें बचाने, मुझे तो बहुत डर लगता है जोकर से। मैं नहीं करूंगी, मैं तो चली घर और घर जाके 10 दिन के लिए कैद हो जाऊंगी, बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी। मैं जा रही हूँ। पागल कही की, ऐसे कैसे चली जाएगी? दोस्त है वो हमारे, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो जा रही हूँ अपने घर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या करे? मेरे को लगता है कि हमें ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन जाके उनकी कंप्लेंट लिखवा देते हैं। क्या पता पुलिस अंकल ही हमारी मदद कर दे। तेरे में तो दिमाग है। चल सर, हमारे ना 2 फ्रेंड्स मिसिंग है, स्कूल से आ रहे थे ना हम, तो पता नहीं एक एक करके दोनों जने गायब हो गए हैं और हमें ना शक है कि वो जो एक जोकर की अफवाह फैली हुई है ना, शायद उस जोकर ने हमारे दोस्त को गायब किया है। हमारा पहले वाला दोस्त जिसका नाम गुड्डू था, एक दिन हम स्कूल से आ रहे थे और स्कूल से आते वक्त ही ना हम लोग तो घर पे चले गए थे, उसने कहा कि वो जोकर से नहीं डरता तो वो अकेला घर चला गया था और शायद वो वहीं रास्ते से ही गायब हो गया, हमारे साथ खेलने नहीं आया वो। और ऐसे ही अगले दिन हमारी दोस्त है जिसका शीला नाम है, वो भी ऐसे ही गायब हो गई। सर, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लग पा रहा है, आप प्लीज़ कुछ करिए ना। देखो, इस टाइप के केस ना पहले भी आ चुके हैं पर हम कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे हाथ कोई सबूत ही नहीं लगे थे और आधे लोग तो मानते भी नहीं है कि हिप्नोटाइज और जोकर वगैरह भी कुछ होते हैं। और बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता हमें क्या करना है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। पर सर। पर वर कुछ नहीं, मैंने बोला ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम जाओ अपने घर पे। अरे यार, पुलिस वाले ने तो हमें ऐसे ही टरका दिया, किसी भी काम के नहीं है ये। अब क्या करेंगे, वो जोकर तो सब बच्चों को पकड़े ही जा रहा है और अगला नंबर हमारा भी हो सकता है बहन। सही कह रही है तू, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। अरे हाँ, सही बोला तूने, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। मेरे पास एक प्लान है, हम ये प्लान ना पुलिस वाले को जाके बता देंगे तो पुलिस वाला हमारी पक्का मदद करेगा। देख, हमने ये चीज़ देखी है ना कि वो जोकर अकेले बच्चे को ही टारगेट करता है, जब दो जने साथ में होते तब नहीं करता। तो हम लोग ना पहले एक साथ रहेंगे, उसके बाद हम दोनों अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे और पुलिस वाले को ना किसी ऐसी जगह पे खड़ा कर देंगे जहाँ से वो हम दोनों को देखता रहे, ठीक है? और हम अलग अलग रास्तों पे जब जाएंगे ना तो पक्का हम दोनों में से एक के पास वो जरूर आएगा और जैसे ही वो हमारे पास आएगा ना तो पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा। मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मेरे को बहुत डर लगता है जोकर से। तूने जाने तो तू चली जा अकेले, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, यही थी तेरी दोस्ती, यही था तेरा प्यार है, बीच में आ गई जोकर की दीवार? ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, दोस्ती निभाने पड़ती है दिल से। अब तू नहीं चाहती कि तेरे दोनों दोस्त वापस आ जाए? हैं, वो लोग कितनी मदद करते हैं, हमारे चिप्स भी लेके आते हैं, हमारे लिए लंच भी तो पैक करवा के लाते हैं अपनी मम्मी से। चलूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर प्लान पक्का है, पुलिस स्टेशन में जाके और पुलिस वाले को सारा प्लान बताते हैं। चल। सर, वो हमने ना कुछ सोचा है जिससे हम ना उस जोकर को पकड़ सकते हैं। मस्त आइडिया है सर, इसका आइडिया है। क्या सोचा है? हाँ सर, हमने सोचा है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम उस जोकर को रंगे हाथ पकड़ सके। जैसे कि ना हमने सोचा है कि हम दोनों ना हिम्मत करके अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे क्योंकि वो ना अकेले बच्चों पर ही हमला करता है,
तो इसलिए ना मेरी दोस्त अलग चली जाएगी, मैं अलग चली जाऊंगी, वो पक्का हम दोनों में से किसी एक को तो पकड़ेगा ही। और आप ना कहीं पर छुप के हमें देखते रहना, और जैसे ही वो हमें पकड़ने आएगा ना, आप उसे पकड़ लेना। अरे वाह, ये तो मस्त प्लान है। हाँ ऐसा कर सकते हैं। और एक मिनट रुको, तुम दोनों ना ये चश्मे लगा लेना, ताकि वो तुम्हें हिप्नोटाइज ना कर सके। अच्छा, ये भी अच्छा आइडिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कल टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है सर, हम कल आ जाएंगे टाइम पर। बच्चे तो काम के हैं, लगता है इस बार ये केस सोल्व हो ही जाएगा और मेरे एक और स्टार लग जाएगा। डर लग रहा है यार, मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा। सुन एक काम कर, ये ना ईयरपॉड्स लेके आई हूँ मैं अपने साथ, एक कान में तू लगा ले, एक कान में मैं लगा लेती हूँ, ताकि हम दोनों ना एक दूसरे से बात कर पाए और हमें ना एक दूसरे की आवाज़ आती रहे, ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो। हाँ अब यहीं तक हम लोग साथ थे, अब तू उस साइड जा, मैं इस साइड जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। पता नहीं कहाँ होगा ये जोकर। जोकर तो मैंने देखे टीवी में, हंसाते हैं, ये रुला रहा है पागल सा। तो चश्मा लेके आई हूँ, पहले चश्मा लगा लेती हूँ, कहीं मुझे भी हिप्नोटाइज करके ले गया तो। काला काला दिख रहा है। अब मैं जो जो तुम्हें बोलूंगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा, चल मेरे साथ। लगता है बर्फ पड़ रही है, धुंध भी हो रही है, कोई जोकर। काम्या देख, पुलिस अंकल ने और मैंने ना उस जोकर को पकड़ लिया। क्या जो 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 शिट, जोकर तो काम्या के पास पहुंच गया, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। शिट, वो रहा वो जोकर, काम्या। और जो जो बोलूंगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहाँ ले जा रहा है इसे? ओ शिट, इस जोकर ने पुलिस वाले को भी हिप्नोटाइज कर लिया, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
अच्छा तो ये यहाँ रखता है सबको छुपा के। सामने जाकर बैठ जाओ। पूरे चार लोग हो गए हैं, अब बस दो लोग बचे हैं और फिर छह के छह लोगों के सारे ऑर्गन्स बेच दूंगा। इनका दिल, इनकी किडनी, इनकी आंखें और इनका खून। चलो जल्दी से दो लोगों का शिकार करके लाता हूँ। जब तक मैं ना आऊं तुम चारों यहां से हिलना भी मत। ये रे सब लोग, उठो। अरे उठो, होश में आओ। अरे जल्दी उठो, वो जोकर आ जाएगा। शिट यार, ये लोग तो उठ ही नहीं रहे, अब कैसे जगाऊं इनको? इनका तो हिप्नोटाइज का असर ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ गूगल पे सर्च करती हूँ, गूगल बाबा के पास हर एक चीज का आंसर है। हाउ टू रिमूव हिप्नोटाइज इफेक्ट, यही बोलेंगे शायद इंग्लिश में। सिर पर जोर से मारना है। चलो सही है, इस बार में इनको मारने का तो मिलेगा। अरे होश में आओ, होश में आओ तुम लोग। हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो जो जोकर है ना, वो तुम सबको यहाँ पे ले आया था और ना तुम चारों के ऑर्गन्स बेचने वाला था। अब हमें जल्दी से ना उसको पकड़ के और उससे उसको हिप्नोटाइज करने वाला यंत्र छीनना होगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। पर जाएंगे कैसे? अरे वो आने वाला होगा, जैसे ही वो अंदर आएगा ना उसको हम पकड़ लेंगे और पकड़ के उसका वो यंत्र छीन लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर। कौन है? मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो मेरे को। हो गया क्या? हो गया, हो गया हिप्नोटाइज। अब हम जो बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। चल घूम, मूर्ति घूम करके दिखा। स्टॉप, अपने बाल खींच। मुंडी टेढ़ी कर। अब अपना सर ना जोर से दीवार पे मार। ओए मां। मोए मोए करके दिखा। मोए मोए, मोए मोए, मोए मोए। अब एक काम कर, अब खुद को गुदगुदी कर। मंकी लग रहा है ये तो। लाओ बच्चों, ये मुझे दे दो, मैं इसको सेफ जगह रख दूंगा, मेरे को मत कर। और बच्चों तुमने ना बहुत अच्छा काम किया है, एक काम करो, तुम ये पैसे रखो और इसकी चॉकलेट खा लेना, ये तुम्हारा प्राइस है, ठीक है? और इसको तो मैं थाने लेके जाऊंगा, इसको असली सबक मैं सिखाऊंगा।
अब तो पार्टी होएगी। हाँ मैं तो फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। और मैं पिज्जा। मेरे को बर्गर खिला दियो और भी तेरे को कुछ खिलाना तो वो भी खिला दियो। पार्टी चाहिए ना तो मैं पार्टी दूंगी ना। वो देखो चंद। भाग गई। तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगी पार्टी नहीं दूंगी? अरे दूंगी ना पार्टी। अरे चलो यार पार्टी दूंगी मस्त वाली। बताओ क्या क्या खाओगे? जीने के चार दिन बाकी है बेकार दिन। जीने के चार दिन।